आप देख रहे हैं दखल न्यूज। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने छत्तीसगढ़ सरकार के किसानों के कर्ज माफी और समर्थन मूल्य 2,500 रुपए दिए जाने पर सरकार को बधाई दी। तोगड़िया रायपुर में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा वह 2019 में अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राष्ट्रीय किसान परिषद के नेतृत्व में भाजपा सरकार के समय जगदलपुर से रायपुर तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा का नतीजा है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। देश में छत्तीसगढ़ सरकार पहली सरकार है जिसने टाटा को लोहंडीगुड़ा में किसानों की अधिग्रहित जमीन वापस देने का फैसला लिया, उसके लिए सरकार का आभार। टाटा के 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में किसानों को सिर्फ 40 करोड़ रुपए दिए गए थे। गुजरात में टाटा का नैनो कार प्लांट लगाने, जमीन और 20,000 करोड़ आधे प्रतिशत में ब्याज पर भाजपा सरकार ने कर्ज दिया था। छत्तीसगढ़ की तरह गुजरात में भी नैनो के लिए अधिग्रहित जमीन वापस किसानों को दी जानी चाहिए। किसानों की जमीन के अधिग्रहण के विरुद्ध में एक बहुत बड़ी पदयात्रा का मिर्जापुर में नेतृत्व करने 28 मई परसों जा रहा हूं और मैं देश के किसानों को आह्वान करता हूं कि आपकी देश में कहीं पर भी जमीन सरकार ने अधिग्रहण करके सरकारी काम और उद्योगपतियों को दी है और उस पर 10 साल में काम नहीं किया है, आप मेरा संपर्क करो, मैं देशव्यापी किसानों की जमीन के लिए आंदोलन करूंगा। जमीन हमारी मां है, सरकार उसको खा रहा है। तोगड़िया ने बताया कि किसानों की जमीन उद्योगों के लिए अधिग्रहण के विरोध में मिर्जापुर से एक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार वॉलमार्ट को अनुमति देकर छोटे व्यापारी का नुकसान कर रही है। उन्होंने कहा अगले साल वे राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे जो सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।